नमस्कार प्यारे साथियों, टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। कैसे हैं आप सभी लोग? रट लो सीरीज का चौथा हिस्सा लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले तीन हिस्सों को आप लोगों ने खूब सराहा, अपार प्यार दिया और चौथे हिस्से में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आगामी 3-4 बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं जिनके लिए हम लोग ये श्रृंखला चला रहे हैं, क्योंकि जब कोई परीक्षा होती है तो आपको पिछले 10 महीने का लगभग करंट आपको तैयार करना होता है। तो सभी परिदृश्यों को कवर करते हुए हम लोग इस करंट की श्रृंखला को लेकर आए हैं। आज 24 तारीख है और कल 25 तारीख को, जैसे कि आपको मालूम है जो UPSI वाले इंतजार कर रहे हैं, कल शाम को 25 तारीख को UPSI के बैच में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आप सभी कल शाम का जरूर इंतजार करेंगे। आलोक सर द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी आपको दी जाएगी और रात में मैं भी आपसे कल फिर से मुलाकात करूंगा, जैसे कि हर बार करता हूं। हमारे संस्थान में UPPCS के लिए 3 महीने का एक जबरदस्त बैच आलोक सर के निर्देशन में डिजाइन किया गया है और उस बैच में एडमिशन लगातार चल रहे हैं। एडमिशन के लिए आप नीचे लिखे हुए नंबरों पर फोन करके, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं, फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। उसमें पूरा करंट अफेयर्स आपको मैं ही तैयार कराऊंगा। हम सभी लोगों की देखरेख में करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में मैं उसमें शामिल हूँ और निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके से वो कोर्स डिजाइन हुआ है और आप उसमें लाभान्वित होंगे। तो UPPCS के प्रवेश से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, UPSI के प्रवेश से संबंधित जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, और जो लोग UPTET की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पहले बैच में, चूंकि हमारा पहला बैच फुल हो चुका है, आगे निकल चुका है, UPTET वाले 3 तारीख का इंतजार करेंगे। 3 और 4 तारीख से UPTET के स्वतंत्र बैच के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज बहुत समय न लेते हुए आज की रटलो श्रृंखला की। तो आज की रटलो श्रृंखला का पहला प्रश्न लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आइए आप लोग भी उत्तर करेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि ये सतत प्रक्रिया है, मैं आपको रोज बताता हूं, आज भी बता रहा हूं। बस फोन उठाइए, फोन करिए, जिस बैच की जानकारी चाहिए उस बैच से जुड़ जाइए। आइए 19 जुलाई 2019 को जारी की गई बाघ स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार, 2018 की रिपोर्ट है लेकिन 2019 में जारी की गई है। बाघ स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है, बताइए। आप लोग उत्तर करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2014 में यह तय किया गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को दुगुना करना है। ये जैव विविधता का प्रमुख जो है टारगेट या चैलेंज के रूप में इसमें स्वीकार किया गया था कि हमें 2022 तक पूरा करना है, लेकिन अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल करते हुए वर्तमान जो रिपोर्ट जारी की गई है विश्व वाघ दिवस के अवसर पर, विश्व वाघ दिवस 29 जुलाई 2019 के अवसर पर चौथे प्रक्रम की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें हमने 2019 में ही इसको दोगुना कर लिया है, जबकि लक्ष्य हमारा 2022 का था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए गए और जब इस रिपोर्ट के आंकड़ों को हम लोगों ने जारी किया तो इसमें देखा कि बाघों की जो संख्या है वो 2967 हो चुकी है और हम इसको दोगुना कर चुके हैं 2014 से। इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो ये अपने तरीके का एक सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, विश्व का बाघों के लिए किया गया एक सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो भारत में किया गया। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से में स्क्रीन से हटता हूं, आप इसको देखिए। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को मैं आपको और बता दूं जो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला मध्य प्रदेश है, 526 बाघ मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जो इससे ज्यादा पीछे नहीं है, कर्नाटक में 524 बाघ हैं, मध्य प्रदेश में 526। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यूपी का स्थान क्रम में 8वां है और यूपी में बाघों की संख्या 173,173 है। तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर चौथे प्रक्रम की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बाघों की संख्या 1967 है और 1967 जो बाघों की संख्या हो गई है उसमें हम लोग देख लें कि ये डिटेल जो मैंने आपको साझा की है, सबसे ज्यादा बाघ 526 कहां पे है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में कितने हैं, 524 हैं और यहां पे आप इसको देख सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष अभियान चंद्रयान 2 के साथ निम्न में से कौन से उपकरण शामिल नहीं है, है ना?
अंतरिक्ष अभियान जो चंद्रयान का हम लोगों ने जुलाई में किया है, बहुत प्रतिष्ठित जो अभियान, हम चौथे देश विश्व में बन गए हैं। तो निम्न में से कौन सा उपकरण इसमें शामिल नहीं है? देखिए, ऑर्बिटर बिल्कुल शामिल है ना, ऑर्बिटर शामिल है। और ऑर्बिटर हमारा क्या करेगा, जो है संचार माध्यम को स्थापित करेगा। ऑर्बिटर क्या करेगा, संचार माध्यम को स्थापित करेगा, और ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का हिस्सा है। क्लियर। दूसरी बात अगर हम लोग करें ऑर्बिटर के बाद, जो रोवर है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर का नाम है, और प्रज्ञान वहां पर जो है, प्रज्ञान भी इसके साथ शामिल है, प्रज्ञान एक रोवर है। लैंडर इसको लैंड करने में मदद करेगा, लैंडर का नाम है विक्रम। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। तो ये तीनों ही उपकरण, ये तीनों ही उपकरण क्या है, शामिल है। शामिल क्या नहीं है, अवेयर शामिल नहीं है। अवेयर मैंने कल आपको डिस्कस किया था, अवेयर क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया एक ऐप है, जो प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार दवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। दवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है अवेयर, WHO का एक ऐप है। एक क्या है, डिजिटल ऐप है, ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं इसमें आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि पहली बार किसी इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी पूरी तरह 2 महिलाओं को सौंपी गई है ना। तो 2 महिलाएं इस मिशन को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, दोनों महिलाओं को इस मिशन की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक है ऋतु जी, इनका पूरा नाम है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इनका पूरा नाम है ऋतु जी का, ऋतु करिधाल इनका पूरा नाम है, और वनैया मुथैया, एक आपकी महिला है वनैया मुथैया। और पहली बार ये जो है दोनों ही महिलाएं इतने बड़े चंद्रयान की जिम्मेदारी जो है उठाए हुए हैं, और ये नारी सशक्तिकरण का अपने तरह का एक नया उदाहरण है। आइए तीसरा प्रश्न है, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो देखिए, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, हम भले भी वर्ल्ड कप ना जीत पाए हों, लेकिन सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भारत के कौन है, रोहित शर्मा है ना, जिन्होंने 648 रन बनाए। कितने रन बनाए, 648 रन बनाए, और इसमें सर्वाधिक 5 शतक भी इन्होंने वर्ल्ड कप में लगाए, 5 शतक लगाए है ना, ध्यान रखिएगा। केन विलियमसन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ल्ड कप का घोषित किया गया था, न्यूजीलैंड की टीम फाइनल खेली थी, और ये मैं 12वें संस्करण की बात कर रहा हूं। आप अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था, इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया। रोहित शर्मा ने 648 रन, सर्वश्रेष्ठ रन बनाए पूरे जो है टूर्नामेंट में, 5 शतक इन्होंने लगाए। केन विलियमसन ने केवल 2 ही शतक लगाए, लेकिन महत्वपूर्ण खेलने के कारण उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था, जबकि रनों की संख्या के मामले में वो रोहित शर्मा से पीछे थे। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, अभी हाल ही में भारतीय रेल द्वारा भारत की पहली निजी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई, इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे के निजीकरण के तौर पर हम देखें तो ये पहला कदम था कि भारत की पहली निजी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। और ये जो निजी ट्रेन है, ये किन 2 स्टेशनों के बीच चलाने की घोषणा की गई, दिल्ली और लखनऊ। तो पहली निजी ट्रेन जो दौड़ेगी तेजस, वो किस किस के बीच दौड़ेगी, दिल्ली और लखनऊ के बीच दौड़ेगी। एक निजी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ट्रेन से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, चाहे वो दुरंत हो, चाहे वो ट्रेन 80 हो, इसलिए इसको आप लोग संज्ञान में रखेंगे। आइए 5वें प्रश्न के साथ में आपके सामने, अभी हाल ही में प्रसिद्ध रेमन मैक्सेसे पुरस्कारों का ऐलान किया गया, निम्न में से कौन पुरस्कृत व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, सबसे पहला नाम है कोसीविन, है ना, सबसे पहला नाम है कोसीविन। कोसीविन शामिल है, ये म्यांमार की हैं और ये पत्रकार हैं, ये म्यांमार की हैं, 5 लोगों को दिए गए और ये पत्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, पत्रकार है। दूसरा, रेमुंडो पुंजते, ये संगीतकार हैं, ये संगीतकार हैं और ये फिलीपींस के हैं, संगीतकार है फिलीपींस के, ये भी शामिल है। तीसरा है अंगार नलावा नीलाबाई भी इसमें शामिल है, आप लोग इसको देख लीजिए। ये थाईलैंड की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, कहां की है, ये मानवाद का ह्यूमन राइट्स वर्कर है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, थाईलैंड की है, कार्यकर्ता है थाईलैंड की। जोखा अलहारती इसमें शामिल नहीं है,
इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। सोलेस्टियर बॉडीज इनके उपन्यास का नाम क्या है? सोलेस्टियर बॉडीज इनके उपन्यास का नाम है, और इन्हें जोखा अलहारती को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है, ये इसमें शामिल नहीं है। टोटल 5 लोगों को रेमन मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसमें चौथे हैं दक्षिण कोरिया के किम जोंग की। इन्हें शांति प्रयासों के लिए दिया गया है रेमन मैक्सेसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। और पांचवें भारत के रवीश कुमार हैं, जिन्हें एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार, जिन्हें पत्रकारिता के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? पत्रकारिता के लिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा उत्तर इसमें शामिल नहीं है, और कुल 5 लोगों को दिया गया है। 2 पत्रकार हैं इसमें से, एक संगीतकार है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, और एक शांति प्रयास के दूत के रूप में उपस्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने 4 अगस्त 2019 को चांदीपुर उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस मिसाइल, ये अगस्त का मामला है, हाँ, निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना? और यहां पर आपके जो ऑप्शन है वो है NGARM, इस मिसाइल का नाम आप लोगों को बताना था, और इस मिसाइल का नाम था CRSAM। हाँ, ये आपकी इस मिसाइल का नाम था CRSAM। गौर करिएगा, ये CRSAM भी है और ये QRSAM भी है, ये दोनों ही नाम आपको इसमें मिल रहे हैं। तो चाहे वो CRSAM हो चाहे QRSAM हो, ये दोनों लगभग लगभग एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर QRSAM भी लिखा होता है तो भी इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आइए सातवां, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्य जीव अभ्यारण को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश। बाघ राज्य, भारत का बाघ राज्य, बाघ स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और मैंने अभी हाल आपको बताया कि सबसे ज्यादा, अभी जो रिपोर्ट आई है बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पे है बताइए? मध्य प्रदेश में। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए आठवां प्रश्न है, 25 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन, है ना, RTI संशोधन विधेयक आपको मालूम है पारित किया। अगर हम इसके बारे में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इन कथनों पर विचार करिए, जो विधेयक है उसमें जो कथन दिए गए हैं उसमें हमें क्या क्या लेना है। देखिए, इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस अधिनियम को हम संशोधित कर रहे हैं वो RTI 2005 का ड्राफ्ट था। दूसरा, प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त तो सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण करेंगे, बिल्कुल सही है, कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, कार्यकाल को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, और इस निर्धारण को कौन करेगा? केंद्र सरकार, और जो है केंद्र सरकार जो है वो करेगी। इनका कार्यकाल बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रस्ताव है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है, वर्षों की संख्या का कोई भी प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है। चौथा, इस विधेयक के तहत केंद्र तथा राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्तों के भत्ते तथा रोजगार की शर्तें सरकार द्वारा तय की जाएंगी। चौथा इसमें शामिल है, तो अगर हम देखें तो पहला, तीसरा और चौथा शामिल है, लेकिन दूसरा इसमें शामिल नहीं है, तो आपका विकल्प हो जाएगा ए। उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्लियर है। आइए नौवा प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 20 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार तथा नागालैंड में नए राज्यपालों को नियुक्त किया। आप जानते हैं बहुत सारे राज्यपालों को जुलाई के महीने में गवर्नर्स को इधर से उधर किया गया है, तो सुमेलित करने के लिए भी जानकारी आपको पूछी जा सकती है और आपके पास आ सकती है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं, बिल्कुल सही है। और चौथा है RN रवि, मेरे नाम के जो व्यक्ति है रवि, RN रवि जो है वो नागालैंड के जो है नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। जितने भी राज्यपाल आपके बदले हैं, ये राष्ट्रीय निर्वाचन है या राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति है, सुमेलित करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका ध्यान जरूर रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, दीक्षारंभ योजना का शुभारंभ 18 जुलाई 2019 को किया गया, यह किस मंत्रालय की है? यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना है। किसके लिए है? छात्रों और छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार को संतुलित करने के लिए,
शैक्षिक व्यवहार को संतुलित करने के लिए दीक्षारंभ नामक योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आइए 11वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ जीएस लक्ष्मी को। न कि यह पहली भारतीय बल्कि विश्व की भी पहली महिला रेफरी है, न केवल भारत की बल्कि विश्व की भी पहली महिला रेफरी है जिनको यह गौरव प्राप्त हुआ। आइए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम 12वें प्रश्न को देखें तो यहां पर 12वें प्रश्न में लिखा है, हाल ही में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, देश का नाम जरूर याद रखिएगा, ये कहां थे, सर्बिया के, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पराजित कर तीसरी बार मैड्रिड ओपन, ये प्रसिद्ध ओपन जो है प्रतियोगिता है टेनिस टूर्नामेंट की, तीसरी बार मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है यूनान के स्टेफानोस सितसियास, स्टेफानोस सितसियास इसका सही उत्तर आपका होगा। आइए अगर हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़े, सुल्तान अलजानसा हॉकी टूर्नामेंट, ये देखिए आप लोगों का एक हॉकी का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किया जाता है मलेशिया में, मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष का ये टूर्नामेंट दक्षिण कोरिया ने जीता जैसे कि यहां पे लिखा है। लेकिन पूछा आपसे क्या गया है कि किस देश को हराकर खिताबी जीत दर्ज की, तो भारत को हराकर इन्होंने खिताबी जीत दर्ज की, भारत को हराकर खिताबी जीत दर्ज की। आइए 14वां प्रश्न आपका, भारत सरकार का एकमात्र ओरंगुटान विनी का किस जैविक उद्यान में निधन हो गया? देखिए ओरंगुटान विनी पहले तो समझ लीजिए क्या है, ये भारत का एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसको वैज्ञानिकों द्वारा वन मानुष प्राणी कहा गया, वन मानुष लगभग मिलता जुलता था मानव से, वन मानुष प्राणी कहा गया और ये एकमात्र था और इसका जो है निधन हो गया। और इस अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले कि ओरंगुटान विनी कहाँ है, क्या है, साइंस के करंट अफेयर्स से जुड़ सकता है आपका, तो आप कहेंगे वन मानुष प्राणी था और नंदन कानन जैविक उद्यान उड़ीसा में इसका निधन हुआ। इसका निधन कहाँ हुआ, नंदन कानन जैविक उद्यान उड़ीसा में इसका निधन हुआ। आइए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? देखिए चंद्रानी मुर्मू देश की सबसे युवा सांसद है, इसकी उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष 11 माह के आसपास थी, लगभग बता रहा हूं 25 वर्ष 11 माह के आसपास थी और ये उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करती है, उड़ीसा राज्य का, और उड़ीसा की ये क्योंझोर संसदीय क्षेत्र से चुनी गई बीजू जनता दल की सांसद है, जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है उड़ीसा में, बीजू जनता दल की ये सांसद है, तो इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रानी मुर्मू। आइए 16वां प्रश्न है आपका, प्रथम यूनिट हैबिटेट असेंबली कार्यकारी बोर्ड में किस राष्ट्र को चुना गया है, है ना, प्रथम यूएन हैबिटेट, देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, प्रथम यूएन हैबिटेट असेंबली की कार्यकारी बोर्ड में किस राष्ट्र को चुना गया, प्रश्न नंबर 16 आपका है, तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर आपका होगा भारत को चुना गया, किसको चुना गया, भारत को चुना गया, है ना, तो कहा कार्यकारी ग्रुप में भारत को चुना गया। 17वां है आपका प्रश्न, किसे जापान ने अपना राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, है ना, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया, बताइए, ये प्रमुख महत्वपूर्ण है, ये पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम सरन जी को, श्याम सरन जी जो है क्या है, पूर्व भारतीय विदेश सचिव है। कल मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी का बताया था जायद मेडल, सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल कल मैंने सॉल्व कराया था, और ये क्या है बताइए, हाँ राष्ट्रीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, अभूतपूर्व कार्यों के लिए इन्हें दिया गया, पूर्व भारतीय विदेश सचिव है श्याम सरन जी। आइए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 17वीं लोकसभा, राहुल गांधी जी 17वीं लोकसभा निर्वाचन में अमेठी और वायनाड दो निर्वाचन क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव क्षेत्रों से संसद सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़े, वायनाड, देखिए अमेठी तो हम लोग जानते हैं कि कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है, अमेठी तो उत्तर प्रदेश, रायबरेली अमेठी इनकी जो है पारिवारिक और पैतृक सीटें नहीं है, अमेठी से इनको हार का सामना करना पड़ा था, स्मृति ईरानी जी ने इनको हराया था अमेठी से और स्मृति ईरानी जी यहां से चुन के वहां पर पहुंची थी।
आपसे पूछा जा रहा है कि ये जीते थे कहां से? वायनाड से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वायनाड किस राज्य से संबंधित है? तो वायनाड जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि वायनाड किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, बॉलीवुड की निम्नलिखित किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र यूएन के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर 6 नए प्रभावशाली प्रेरक, जो प्रेरित कर सके, आपको प्रेरकों की सूची में रखा गया। आपका सही उत्तर होगा दिया मिर्जा। भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को इसमें रखा गया है। आइए, ये मेरी एक धुआंधार किताब है और मैं धुआंधार तरीके से गारंटी लेता हूं कि अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो इतने आसान टॉपिक आपको कभी जीवन में कहीं नहीं मिल सकते, मैं गारंटी ले रहा हूं। जिन लोगों ने पढ़ी है वो लोग तारीफ कर सकते हैं और ये पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाएगी। न्यूनतम दामों में संस्था द्वारा दी जा रही है 2945227577। केवल इस नंबर पे आपको फोन कर देना है कि आपको रवि सर की किताब चाहिए, मिल जाएगी, या इसी के व्हाट्सएप पर, इस नंबर को सेव करिए, व्हाट्सएप पर बुक लिख के भेज दें। संस्थान की तरफ से कोरियर फ्री है। एक चीज का वादा है, किताब मंगवाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि एक किताब के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया था। कंप्लीट रीजनिंग की बुक, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की, एसआई की, वीडियो की, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की, तो ये किताब आपके लिए एकदम रामबाण साबित हो सकती है। आइए, तो 700 पृष्ठ की किताब है, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल प्रैक्टिस सेट भी इसी में है और कॉन्सेप्चुअल मैटर भी इसी में है। पलक झपकिए, आपको मिलाएंगे, मिल जाएगी, कोरियर संस्था की तरफ से फ्री है, कोरियर सुविधा फ्री है। आइए, न्यूनतम दामों में उपलब्ध है, ऑफर में न्यूनतम दामों में इस समय आपको दी जा रही है। आइए अगला प्रश्न है, 20वां, गोवा तट पर हाल ही में संपन्न नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस। और ये इस अभ्यास का पहला चरण है, पहला चरण है, और इसी अभ्यास का दूसरा चरण अफ्रीकी देश जिबूती में आयोजित किया जाएगा। अफ्रीकी देश जिबूती में आयोजित किया जाएगा, इसका दूसरा भाग। आइए 21वां प्रश्न, गलत युगों का चयन करें, बिल्कुल कर लेंगे, आइए गलत युगों का चयन करते हैं। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास छठ छह भारत श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। इफिनडेक्स 19 17 देश भारत और अफ्रीका, बिल्कुल सही है। तीसरा, अल नागा है भारत और यूएई, गलत है, अल नागा है भारत और यूएई के मध्य नहीं था, ये भारत और ओमान के मध्य था, भारत और ओमान के मध्य था। संप्रति भारत और बांग्लादेश, बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म गलत है? सी गलत है, अल नागा युद्धाभ्यास जो था वो भारत और ओमान के मध्य था, याद रखना है आपको। 22वें प्रश्न पर बढ़िए, द गर्ल इन रूम 105 दो बार इस वर्ष इस परीक्षाओं में पूछी गई है। द गर्ल इन रूम 105 निम्नलिखित किस साहित्यकार की एक चर्चित रचना है? चेतन भगत जी की चर्चित रचना है। किसकी? चेतन भगत की। आइए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने संस्कृत को राज्य की दूसरी, ध्यान से पढ़िए, संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने संबंधी प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया? हिमाचल प्रदेश। अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को अपने राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मानने का विधेयक पारित किया। आइए 24वां प्रश्न, हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित काव्य संग्रह बखार, देखिए मैं इसमें 27वें सरस्वती सम्मान की बात कर रहा हूं, अभी तो 28वां भी दिया जा चुका है, ये 27वां सरस्वती सम्मान है जो सीतांशु यशश्चंद जी को दिया गया था उनके काव्य संग्रह बखार के लिए, ये 27वें की बात है, 28वें की बात नहीं है। 28वां सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को दिया गया जो तेलुगु भाषा के कवि हैं, उनकी चर्चा इसी अभी वीडियो में आगे आने वाली है। अभी ये 27वां सरस्वती सम्मान वखार के लिए दिया गया था सीतांशु यशश्चंद जी को। वखार इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह था जिसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो वखार है ना, वखार ये गुजराती भाषा के कवि थे, किस भाषा के कवि थे? गुजराती, सीतांशु यशश्चंद गुजराती भाषा के कवि थे। आइए 25वां प्रश्न,
समाज सेवी चंडिका दास अमृतराव देशमुख नानाजी देशमुख को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया, हम सभी लोग जानते हैं, भारत रत्न। तीन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, भूपेन हजारिका जी, प्रसिद्ध भारत और असम के प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार श्री प्रणव मुखर्जी जी, भारत के महामहिम रहे हैं इससे पहले प्रणव मुखर्जी जी, और तीसरे व्यक्ति कौन से थे, नानाजी देशमुख। इन तीनों लोगों को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आइए 26वां द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर आपके इस राष्ट्रपति जी द्वारा लिखित किताबें हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लिखित किताबें हैं, क्या द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर। आइए 27वां प्रश्न, भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया, है ना, सिरिल 27, ध्यान रखिएगा 70वें गणतंत्र दिवस, मतलब इस गणतंत्र दिवस पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे सिरिल रामफोसा, और ये अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, अफ्रीका के राष्ट्रपति, अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, आइए राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहां पर 28वां प्रश्न, सरकार ने सुशासन दिवस गवर्नेंस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया, यह दिवस निम्नलिखित में से किस राजनेता की जयंती है, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है, 25 दिसंबर को इनका जन्मदिवस भी है, और 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में प्रकाशित 2081 एंड बियॉन्ड निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है, बीवीएस लक्ष्मण की ऐतिहासिक पारी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी और वो 281 रन की थी, ये मैच जिताऊ पारी थी, 281 एंड बियॉन्ड किसकी रचना है, बीवीएस लक्ष्मण की, क्या है, खिलाड़ी की आत्मकथा है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। आइए 30वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति के नाम से इसको कोट किया गया है, क्योंकि हूबहू यही प्रश्न एक आपसे प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित किस मुगल शासक ने इलाहाबाद प्राचीन प्रयागराज का नाम बदलकर अल्लाहाबाद किया था, और उनकी जानकारी के अनुसार इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर, क्या होगा, अकबर इसका सही उत्तर होगा। मैं 2 सेकंड का विराम ले रहा हूं, थोड़ा पानी पी लो। आइए आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न पर, 31 जुलाई निम्नलिखित में से किस महान साहित्यकार की जन्मतिथि है, अभी आपने देखा कि 31 जुलाई को देश में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन किए गए थे, है ना, ये तारीख मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित है, मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित है 31 जुलाई। आइए हाल ही में आईसीसी विश्व कप आयोजित होने वाला कौन सा संस्करण था, इंग्लैंड एंड वेल्स में जो संस्करण आयोजित हुआ वो आईसीसी का 12वां संस्करण था, विश्व कप का कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण था। आईसीसी विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, सर्वाधिक सिक्स, चूंकि इस आईसीसी वर्ल्ड कप में बाउंड्री की खास भूमिका है तो बाउंड्री से जुड़े हुए प्रश्नों को आप याद रखिएगा, इयान मॉर्गन सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। आइए हाल ही में हुए फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा, फीफा फुटबॉल, भारत का स्थान 101वां है, 101 स्थान है भारत का। आइए हाल ही में स्पेनिश इंटरनेशनल प्रतियोगिता, तो मैं आपको बता दूं कि स्पेनिश इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता है ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, यहां पे देख लीजिए कि स्पेस जो स्पेनिश जो है आपका ये प्रतियोगिता है वो स्पेनिश इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइए, नाम से ही ये क्लियर है, स्पेनिश का मतलब स्पेन। आइए 36वां प्रश्न, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की शीर्ष 100
उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में निम्न में प्रथम स्थान किसका है? देखिए गौर करिएगा, यहां पे एक खास बात लिखी है, निम्न में प्रथम स्थान। तो जो चार लोग लिखे हुए हैं उनमें तो प्रथम स्थान मेसी का है ना, उनमें प्रथम स्थान मेसी का है, और वैसे सूची में मेसी का स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है? प्रसिद्ध बॉक्सर जो हैं आप जानते हैं मेदेवर, जिनका नाम है प्रसिद्ध बॉक्सर जो हैं उनका नाम है मेदेवर, हाँ फ्लॉयड मेवेदर जो ये बॉक्सर है, इनका पहला स्थान है, इनका दूसरा स्थान है। भारत की तरफ से एकमात्र विराट कोहली भारत की तरफ से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस लिस्ट में बरकरार हैं, और इस लिस्ट के हिसाब से भारत की तरफ से विराट कोहली एक व्यक्ति हैं, और इस लिस्ट में 100 लोगों में विराट कोहली को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 83वां। एक और खास बात जान लीजिए, इन 100 लोगों में एक भी महिला शामिल नहीं है, इन 100 लोगों में एक भी महिला शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए 35वां ओलंपिक खेल 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित किया जाएगा? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए? पिनाकी चंद घोष जी, पिनाकी चंद घोष जी। आइए 39वां, देश की पहली ट्रांसजेंडर निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? गौरी सावंत जी को। कंफ्यूज मत होइएगा, सबके नाम में सावंत लगा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर गौरी सावंत जी को ध्यान रखिएगा, गौरी सावंत जी को पहली जो है क्या है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। आइए हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका आस्था जी का निधन हो गया, यह किस भाषा से संबंधित थी? यह मलयालम भाषा से संबंधित थी। जब कोई साहित्यकार का निधन होता है तो उससे जुड़ी हुई रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी अपूर्णा, इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, और एक और इनकी प्रसिद्ध रचना थी वीर मंगल। तो आस्था जी मलयालम भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी, निधन हो गया, अपूर्णा और वीर मंगल इनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक हैं, आप याद रखिएगा इन पुस्तकों को। 41वां प्रश्न, प्रसिद्ध डिजिटल लेनदेन कंपनी फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान जी, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर है फोन पे के। 42वां प्रश्न, डॉक्टर मोहम्मद शाह ए किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? बताइए, अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन है, बताएं डॉक्टर मोहम्मद शाह किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 42वें प्रश्न का उत्तर करें आप लोग, बताइए। ये फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अभी रेमन मैक्सेसे पुरस्कारों में हम लोगों ने फिलीपींस की चर्चा की थी, ध्यान रखिएगा ये फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 43वें प्रश्न, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले अत्याधुनिक स्पेस सिस्टम पार्क स्पेस सिस्टम पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया? बताइए, 43वें प्रश्न का उत्तर करिए, केरल सरकार ने भारत के पहले इससे स्पेस सिस्टम पार्क, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस सिस्टम पार्क किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? केरल राज्य द्वारा निर्णय ले लिया केरल राज्य ने। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न आपका, देखें क्या था यहां पर। 44वां प्रश्न है आपका, मदर टेरेसा पुरस्कार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया? गौर से देखिए, मदर टेरेसा पुरस्कार हारमोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। हारमोनी फाउंडेशन एक सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है, हारमोनी फाउंडेशन, और इसके द्वारा ये प्रसिद्ध पुरस्कार मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा जी को दिया गया, महिला उत्थान की दिशा में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए 45वां प्रश्न,
नोबल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किस खोज के लिए दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर थेरेपी की खोज के लिए दिया गया है ना, किसको मिला? जेम्स पी फ्रिसन और तास्कू होंजो दो लोगों को मिला, एक अमेरिकी है और एक जापानी है, तो तीन लोगों को मिला है यहां पर। और पहले का नाम क्या है? जेम्स पी एलिसन, और दूसरे का नाम क्या है? तास्कू होंजो। जेम्स पी एलिसन और तास्कू होंजो किसके लिए मिला है? कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। आइए 46वां प्रश्न, सासाकावा पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए, आपदा जोखिम क्षेत्र में के काम करने के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है ना। प्रमोद कुमार मिश्रा को मिला, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा को इस बार का सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया गया, जो आपदा क्षेत्र में जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। इनके सराहनीय और विशेष कार्य के लिए, आपदा प्रबंधन के में इनके सराहनीय और विशेष कार्यों के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए पर्यावरण, हाल ही में एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? करेन उल्हेन बेक, ये गणित की शिक्षिका है, गणित मतलब शिक्षिका नहीं है, ये गणितज्ञ है। और मैंने कहा था, देखिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार का किसको मिला था? पीटर तबीची केन्या के। दो पुरस्कार आपके शिक्षा से संबंधित हैं, एक तो एविल जो यहां पे मैं चर्चा कर रहा हूं, और एक की चर्चा यहां पे नहीं है, मैं बता देता हूं। पीटर तबीची सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुने गए विश्व के, है ना, वो केन्या के हैं। ये आप देख लीजिए, एविल पुरस्कार मिला है करेन उल्हेन बेक को, 47वें प्रश्न का उत्तर है। और जो है करेन उल्हेन बेक, ये कनाडा की है, कहा कि कनाडा के गणितज्ञ है। 48वां, हाल ही में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार किसको मिला? मास्टर दीनानाथ, हाँ, हमें ये प्रसिद्ध पुरस्कार है मास्टर दीनानाथ, और ये सुचिता भिंडे चापेकर जी को दिया गया, सुचिता भिंडे चापेकर जी को दिया गया। 49वां, हाल ही में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस मंत्री, मुख्यमंत्री भी रही, दिल्ली की मंत्री भी रही, निधन हो गया शीला दीक्षित जी का, और 20 जुलाई 2019 को उन्हें किस राज्य के राज्यपाल बनाया गया था? उन्हें केरल राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? केरल राज्य का राज्यपाल उन्हें बनाया गया था, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, केरल राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। और निधन की खबरों से याद आया, लास्ट प्रश्न चलने से पहले मैं कुछ सूचना आपको दे दूं। आज हमारे बीच हमारे जो है प्रसिद्ध नेता और जो हमारे वित्त मंत्री रहे श्री अरुण जेटली जी का निधन हो गया, आज दिन में 12:04 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। टारगेट विद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और जो है प्रार्थना करता है, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस गहरे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अरुण जेटली भारत के एक बहुत अच्छे नेता थे, जिनके समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काल में, उनके समय में उनके वित्त मंत्री रहते हुए, उनके सुझावों पर नोटबंदी और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को लिया गया और भारतीय बहुसांस्कृतिक समाज में उनको स्थापित किया गया और हम लोगों ने उनको अनुमति दी, क्योंकि फिर से जब गवर्नमेंट आई तो हमने माना, किसी भारत के भारतवासियों ने उन फैसलों को माना। तो वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के ही कार्यकाल में जो है ये हुआ था। वो बहुत सारे पदों पर रहे वित्त मंत्रालय के साथ, वो थोड़े समय के लिए रक्षा मंत्री का भी उन्होंने कारोबार संभाला। आज हमारे बीच नहीं रहे, 66 वर्ष की उम्र में आज 12:04 के दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर श्री चरणों में उनको स्थान दे। आइए उनके परिवार को इस गहरे कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। आइए 28वां सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले शिवा रेड्डी किस भाषा के कवि है? अभी मैंने बताया था शिवा रेड्डी जी, ये 28वां, सीतांशु यशचंद का काव्य संग्रह कौन सा था? वखार, वो 27वां, ये तेलुगु भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? ध्यान रखिएगा, तेलुगु भाषा के कवि हैं। और इनके मैं काव्य संग्रह का नाम भी आपको बता देता हूं, इनके जो काव्य संग्रह का नाम था, उनके काव्य संग्रह का नाम मैं आपको बता देता हूं, इनके काव्य संग्रह का नाम था पक्की ओती गिलते। इनके काव्य संग्रह का नाम था पक्की ओती गिलते।
इस रचना के लिए, पत्की ओती गिलते इस रचना के लिए इन्हें 28वां सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। क्लियर? आइए, दो जानकारियां मैंने आपको दी। जो भी लोग यूपी पीसीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 26 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, वो नीचे दिए गए नंबरों पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर जाके आप जो है एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। बैच अनाउंस है, जबरदस्त चल रहा है। दूसरी बात, यूपीएसआई का बैच, इससे शानदार फैकल्टी आपने नहीं देखी होगी। यूपीएसआई का बैच देखिए, चाहे यूपी पीसीएस का बैच हो, चाहे आईएएस का बैच हो, दिल्ली से लेके बड़े बड़े टीचर्स को बुला के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कोई भी बैच। और यूपीएसआई का बैच में शानदार फैकल्टी के साथ मैं स्वयं जो है, हम लोग हैं उस समय, कल आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। एकदम जान लगा देना है इन सब बैचेज के लिए। तो कल आप इंतजार करिए, यूपीएसआई के प्रवेश की सूचनाएं आपको कल दी जा रही हैं। एक और बात, अगर आप पहले से प्रवेश सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए उन पर जाके आप प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं, चाहे वो यूपीएसआई में हो, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो। आज के लिए इस रटलो में मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को रटलो अच्छा लगा होगा। क्लियर? ये नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, सीधे भी दिए गए हैं यहां पर, यहां से भी आप ले सकते हैं। एक और बात, क्या आप ये मानते हैं कि हम आपको दरोगा बना सकते हैं? अगर हां तो नीचे अपने उत्साह के साथ कमेंट करिए। कल यूपीएसआई के लिए हम लोग आ रहे हैं, इंतजार करिएगा। दरोगा बनना है, वर्दी पहननी है, जय हिंद बोलना है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इस रटलो चार में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।